साइकिल में जाबे रे रो रुकेला। लेकिन इतना थक गेलो इतना थक गेलो कि बाप रे बाप केक न खाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं साइकिल राइडिंग के लिए और साथ में इधर आप देख सकते हैं डायमंड ब्रो। तो डायमंड ब्रो को कल में ही आया और कल में आया उसके बाद में आज सुबह को साइकिल राइड में चलते हैं बोल के बोला। और ब्रो कितना साल बाद साइकिल चला रहे हो? फाइनली मैं 13-14 साल मानना पड़ेगा 13-14 साल के बाद में साइकिलिंग कर रहा है। तो चलो हम मजा लेते हैं और आप लोग भी ऐसे वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हंसी मारा चौपत्ती और ये रहा एशियन हाईवे। और ये सुबह सुबह एशियन हाईवे का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। और इधर डायमंड ब्रो साइकिल चलाते हुए आप देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग ऐसा प्लेस पर आए जहाँ गाना वगैरह शूट होते ही रहता है, मूवी सभी बना है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, डायमंड भैया को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके यहाँ पे एक सॉन्ग थोड़ा वो करेंगे। तो आप क्या बोलते हो? शूट तो करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि जब इतना सुंदर लोकेशन है, इसका फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ही। फाइनली आज मैं साइकिल में देखने के लिए आया हूँ दोस्तों, साइकिल चलाते हुए मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। गाइस थोड़ी दूर आगे एक रिवर है, वहाँ चलते हैं। सो गाइस ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं बिकॉज बहुत सालों के बाद में डायमंड ब्रो साइकिल चला रहा है। तो भाई एक दिन में ज़्यादा उन्हें टायर्ड नहीं कराएंगे, धीरे धीरे होगा। और मैं तो चलाते रहता हूँ डेली, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट फर्स्ट टाइम है इसीलिए अभी थोड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा उसके बाद लंबा। क्या बोल रहे? सही है, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, तो इस बार छोड़ दिया जाए। तो ब्रो को अभी पूछते हैं कि इतना सालों के बाद में साइकिल चला के कैसा लगा। जोहार सबके। तो आज मैं बहुत दिन कर बाद, बड़ी दिन बाद एक तो गाना गाते रहो, साइकिल में जाबे रे साइकिल में जाबे रे रो रुकेला। लेकिन इतना थक गेलो इतना थक गेलो कि बाप रे बाप केक न खाए। फर्स्ट टाइम मैं साइकिल चला लो फाइनली लगभग 12-13 साल, मतलब 12-13 साल भी नहीं पता, 15 साल तक सम, क्या कि बहुत आगे से मैं साइकिल ही नहीं छू रहा। और सबसे पहले मके मिल रहे ये दिला जे मर पसीना निकला दिला, फिर उकर बाद में ईला और इठो मोर हसीना बनी लग, उठो निकला लग पसीना, इठो बन लग हसीना। तो इसी लेके मैं सिलेक्ट कर लो और फाइनली इकर में थोड़े दिन चला लो और चला के थोड़े दिन बहुत मज़ा आ रहा। और मैं इस प्लेस में आऊँ जाकर नाम कहे के नहीं था हंसी मारा। तो हंसी मारा कर शूटिंग प्लेस है के बहुत सुंदर है। तो फाइनली अगर बाई चांस अगर हो थे तो मैं भी आबू यहाँ शूट करे कर लगिन। और रोरे मन के जितना हंसी मारा कर सबको यहाँ, कालचीनी एरिया कर सबको यहाँ, मैं ये एरिया में शूटिंग करबू। एशियन हाईवे है के हम इधर भूटान जाएंगे, जायक वाला भूटान जयगाँव जायक वाला। तो बनाप बढ़िया से, तो तब तक ले तो नहीं साइकिल वाला कर सिनेमेटिक शॉट इंजॉय करा। दोस्तों मुझे बहुत 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 अच्छा लग लग मुझे यहाँ रह के आए के और साइकिल चलाए के, बहुत दिन बाद चला लो। तो सोच लो कि आप साइकिल तो एक ले ही लेबू, उदायक पड़ी मजा लगे ला, थोड़े दिन शरीर कर वर्कआउट भी हुई। रोरे मन कमेंट कर देबा और ढेर सारा प्यार देबा वीडियो के। हम इनकर भाई बहन दादा मामा मामी काका काकी चाचा चाची नाना नानी बूढ़ा बूढ़ी ओ हाँ सब को यहाँ लाइक शेयर कमेंट कर देबा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, टायर्ड भी हो गए तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग सुबह सुबह निकले थे राइड के लिए। सो गाइस हम लोग नाश्ता वगैरह करके मैं सोचा ब्रो को कहाँ घुमाने लेके जाऊँ, तो ब्रो को मैं सोचा कि भूटान घुमाने लेके आओ। तो हम लोग आ गए हैं फिलहाल अभी फॉरेन। तो ब्रो कैसा लग रहा है? अपन तो यहाँ पर डर गया था, इसीलिए डर गया था क्योंकि इधर उधर जाने से बोला जाता है कि गाड़ी ठोक देता है। यहाँ पर जेबरा उबरा क्या गुजरता है, जेबरा वाला से गुजरना पड़ता है, मतलब लंबा वाला जेबरा नहीं, जेबरा क्रॉसिंग रोड है कि यहाँ पर नाम से। अगर वहाँ पर अगर आप लोग नहीं जा रहे हो तो आप लोगों को ठोक दिया जाएगा, तोड़ दे जाओ, आप लोग जाना। लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हो यार, बहुत 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 बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहे और देखते रहे और कुछ नहीं,
सो गाइस अभी हम लोग आप लोगों को भूटान का सीन वगैरह चेकआउट कराते हैं, तो आप लोग ऐसी चेकआउट कीजिए और वीडियो में बने रहिए। गाइस तो ये रहा भूटान का नज़ारा, बहुत ही प्यारा लग रहा है और हम लोग इंजॉय लेते हुए आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल आप पहुंचे हैं ये रिवर, और ये रिवर भूटान से होके सीधा इंडिया जाती है, और इंडिया में इसको बोला जाता है तोरसा रिवर, बट यहाँ क्या बोलते हैं तोरसा बोलते हैं कि क्या मुझे तो नहीं पता। अगर आप सभी को पता होगा किसी को तो कमेंट में कमेंट कीजिए। गाइस मुझे यहाँ का एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, जो यहाँ पे हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, हम लोग तो इंडिया में जहाँ तहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाया हुआ है। अगर आप ये जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे तो सारा गाड़ी रुक जाएगी, और इधर उधर से नहीं करना है, सिर्फ यही जो दिखाई दे रहा है जेब्रा क्रॉसिंग वहीं से करना है। तो यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है, शानदार है, बहुत ही मज़ा आ गया देख के। गाइस देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और ऐसे ही हम लोग के इंडिया में होना चाहिए। सो गाइस मैं ब्रो को बोला कि उधर पे एक ब्रिज है, वहाँ पे जाएंगे थोड़ा फोटोशूट वगैरह लेंगे। आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खतरनाक, तो हम लोग ये खतरनाक रास्ता क्रॉस करके जाने वाले हैं। आप लोग भी देखिए बहुत ही भयानक रास्ता है, आप देख सकते हैं, और ये रास्ता क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। बाई चांस अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा नीचे, और यहाँ से सीधा हम लोग चले जाएंगे तोरसा रिवर इंडिया। तो चलते हैं आगे। गाइस व्हाट अ लवली व्यू, आप देख सकते हैं सही में बहुत ही शानदार लग रहा है ना। तो गाइस हम लोग यही ब्रिज का बात कर रहे थे, यहाँ पे अभी थोड़ा फोटोशूट वगैरह कुछ फोटोज वगैरह ले लेते हैं, सबको यहाँ पे आते हैं फोटो वगैरह लेते हैं, स्टेटस में देखता हूँ, बट आज मैं भी यहाँ पे फोटो क्लिक वगैरह करूँगा और मैं भी स्टेटस डालूंगा मोटा मोटा और गोल गोल। क्या क्या मोटा मोटा गोल गोल? पिल्लर वहाँ का। ओ पिल्लर, पिल्लर साहब देख सकते हैं ये रहा ब्रिज। सो गाइस फाइनली आते आते मेरा यहाँ पे शॉप वगैरह दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं आर्या जॉर्डन होटल, आर्या रायना कैफे। बताओ आप यहाँ पे आएंगे तो मेरा नाम से सबको आपको फ्री मिलेगा, अगर फ्री नहीं मिलेगा तो गाली दीजिएगा फिर। और यहाँ का सबसे ज्यादा मुझे खूबसूरत बहुत ही प्यारा लगा यहाँ का बिल्डिंग वगैरह, यहाँ का जो बिल्डिंग का डिजाइन है यार, गाइस आप भी देखिए सही में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बिंदास मस्त घूमे, बट हाँ थोड़ा टायर्ड हो गए क्योंकि चढ़ते उतरते। आपको कैसा लगा? लगा फैंटास्टिक, हमें जब अभी तो हम सेवन के एरिया पे है तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी हम लोग भूल जा रहे हैं, बट कंट्री को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी कुछ अलग से बात कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग को बहुत ही मजा आया, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जोहार, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट, तब तक के मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यही जो डायमंड ब्रो के साथ में हम लोग घूमे यहाँ पे भूटान इंटरनेशनल कंट्री, तो आप लोग ऐसे मज़ा लेते रहिए, आप लोग के लिए ब्लॉग आता ही रहेगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।